मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान की इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिला एंड uh, ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने हमारी पूरी जिंदगी को एक ऐसे पाथ पर डाला जिस जिसको आज अगर हम लुक बैक करते हैं वी फील दैट इससे लकी और कौन हो सकता है यू you नो know? भगवान तो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं ही पर हमारे घर के अंदर जो दो गुरु हमारे को मिले हैं वो अगर ना हो तो शायद ज़िंदगी उस Uh, मुकाम पर ना पहुंचती जहाँ पे आज है भगवान के इंस्टीट्यूट में पढ़ते वक्त तो रोज़ाना हमारे को अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते थे एंड uh, हमारे को दर्शन लेने का भी मौका मिलता था एंड भगवान वुड गिव सो मेनी डिस्कोर्सेज कितनी सारी लर्निंग्स मिलती थी बट एक्चुअली इन वैल्यूज़ का जो टेस्ट होता है वो भगवान के इंस्टीट्यूट से निकल के शुरू होता है सो so, काफ़ी सारे ऐसी इंसिडेंट्स uh, हुए और आज मैं उन्हें रिकॉल कर रहा हूँ तो जब हम पास uh, आउट हुए स्कूल से तो उसके बाद हम कोशिश करते थे कि एटलीस्ट साल में एक या दो बार ज़रूर जाएँ फोटोप्रति एंड ऑफकोर्स आप जब स्कूल से बाहर चले जाते हैं तो यू टेंड टू हैव अ डिफरेंट लुक एंड यू नो यू ग्रो अ बियर्ड एंड ऑल ऑफ दैट तो मैंने भी अपने थोड़े बाल बढ़ा लिए और <coughs> थोड़ी सी दाढ़ी रख ली एक्सेट्रा तो एक ट्रिप में हम परती गए तो मैंने सोचा इस बार मैंने ना आई एम नॉट गोइंग टू कट माई हेयर और यू नो ट्रिम माई बियर्ड और समथिंग तो आई वेंट इन टू द दर्शन लाइन एंड हमें आदत थी कि हम तो यू नो स्टूडेंट वाले ब्लॉक में बैठेंगे सो वी वुड गेट दैट यू नो स्पेशल ट्रीटमेंट एज दी वुड थिंक ऑफ इट बट भगवान हैज़ इज वेज़ ऑफ यू नो पुटिंग अस इन प्लेस एंड वॉट हैपन्ड वॉज दैट वहाँ पर एक सीनियर सर थे इंस्टीट्यूट के उन्होंने आके मेरे को बोला यू यू गो एंड शेव हाँ दिस इज नॉट ओके गेट कट एंड आई सर एक्चुअली ना हैव अ कट हेयर सो डॉक्टर हैज एडवाइज नॉट टू गो सो मैंने अपनी तरफ से कोई कहानी पका के उन्हें सुना दी वो एक बार और बोल के चले गए कि देख लो etc. कि कितनी बार वो बोलेंगे राइट right? तो एंड देन मैं वहाँ पे बैठ के मैं बड़ा खुश कि आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग यू नो एंड आई हैव गॉट माय वे सो अगले दो तीन दर्शन में यही बोलता रहा एंड देन यू नो दैट ट्रिप कंटिन्यूड द वे तो मैं रेडियो साई के ऑफिस गया दो दिन बाद एंड uh, रेडियो साई के ऑफिस में मैं एंटर ही कर रहा था एंड शायद मेरा ध्यान नहीं गया आई एम सिक्स एंड हाफ फीट मैं छः फुट सात इंच हूँ तो मेरा सिर ऊपर लग गया वहाँ पर एक कुछ वुडन पीस निकला हुआ था एंड आई वाज लाइक ओ व्हाट व्हाट जस्ट हैपेंड ये क्या हो गया एंड देन आई नोटिस आई हैड सम ब्लड तो खून भी बह रहा था एंड आई गॉट अ कट तो मैंने इमिजिएटली जाके उसको टेंट टू करा लिया और मैं रात को सो गया एंड द मॉर्निंग आई गेटअप एंड मेरे को अचानक ध्यान आया कि यार अब तो दर्शन में जाना है तो वो कट तो जो मैं सोच रहा था मेरे सिर में नहीं अब तो वो कट भगवान ने दे दिया है सो आई वॉज़ पुट इन प्लेस एंड आफ्टर दैट एवरी टाइम आई वेंट टू पर ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ जब मैंने शेव ना करी हो या मैंने बाल ना ठीक से कटाए हों दैट वॉज माई लेसन दैट वेदर यू नो यूर साइंस स्टूडेंट और एक साइंस स्टूडेंट यू आर गोइंग टू बी द वे आई वॉन्ट यू टू बी उसके कुछ साल बाद आ, मैं दिल्ली में नौकरी कर रहा था एंड कुछ आ, दोस्तों के साथ आ, मुझे अपनी आ, वाइफ को मिलने का मौका मिला जो उस समय कुछ दोस्तों के किसी इवेंट पर हम हमारा एक दूसरे को जानकारी हुई एंड यू कैन से कि वी वर डेटिंग एंड उस उस टाइम के बाद हम बीच में कुछ देर के लिए हमारी बातचीत नहीं हुई कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यू you नो know, भगवान इज शोइंग मी द डायरेक्शन दैट यस दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी एंड सो ऑन बट ऑफ कोर्स आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कई बार जब आपके साथ कोई ऐसा घटना होती है विच इज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग तो मैं भगवान को प्रे कर ही जा रहा था कि प्लीज मेरे को बताओ इज इज दिस द डायरेक्शन टू गो और यू नो आई क्लोज दिस चैप्टर ऑफ माई लाइफ एंड अनरटेडली वन डे भगवान कम्स इन टू माई ड्रीम एंड भगवान मेरे को कहते हैं तिरुपति जाओ एंड आई आई गेट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड मैं मम्मा पापा के रूम में जाता हूँ एंड मैंने कहा मम्मा मेरे को ना ड्रीम आया बाबा का ही इज टेलिंग मी टू गो हेअर एंड उस समय क्या था कि हमारा जो सबसे छोटा भाई है सत्यम वो पुटप्रति में पढ़ ही रहा था तो मम्मा ने कहा हाँ सत्यम को मिलने चले जाओ वहाँ से तिरुपति तो पास में ही है सो यू कैन डू बोथ सत्यम को मिले वैसे ही बहुत देर हो गई है सो वन ऑफ शुड गो तो मैंने कहा हाँ ठीक है मम्मा चलो मैं करता हूँ सो आई थिंक विद इन टू और थ्री डेज़ मैंने अपना ट्रिप प्लान किया एंड आई वेंट टू तिरुपति वहाँ पर पहुँच मैं लाइन में लगता हूँ और मुझे लगा बस अभी दर्शन हो जाएंगे वो दर्शन आते 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 चार घंटे लग गए एंड मैं लाइन में ही खड़ा हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना भगवान मेरा ना टेस्ट ले रहे हैं कि पता नहीं कौन से मैंने पाप करे हैं या कुछ भी जैसे भगवान को वो मेरे से अर्चना चाहिए सो so फाइनली जब मैं डेटी आ, के आगे पहुंचता हूं तो आ, मुझे ऑलमोस्ट क्या इमोशन आती है मुझे नहीं पता बट मैं बहुत रोया उस दिन एंड देन मैं उस दिन रात को आके सो गया एंड मैं पुटवर्ती चला गया वहीं से एंड दिस हैज कम्प्लीट कॉन्टेक्स्ट जो मैंने पिछली बात बताई कि मेरी बातचीत नहीं हो रही थी मेरी उमंग से तो दैट नाइट भगवान केव इन टू माई ड्रीम एंड इट वॉज अ वेरी विजुअल ड्रीम उसमें क्या हुआ कि मैं खड़ा था अपने इन लॉज के घर के बाहर एंड मेरे को ऐसे एक फीलिंग थी कि अंदर भगवान बैठे हैं एंड मैं विंडो से जाके देखता हूँ तो भगवान बैठे हैं स्वामी इज सिटिंग एंड ही इज टॉकिंग टू माई इन लॉज एंड माई वाइफ टू बी इज ऑल्सो सिटिंग देयर एंड उनकी कुछ बातचीत चल रही है एंड बात करके वो वो लोग चले जाते हैं और फिर मैं अंदर जाता हूँ और फिर भगवान मेरे से मिलते हैं एंड ही सेज़ कि डोंट वरी मैंने सब सेट कर दिया

Uh, मेरी बात दोबारा हुई उमंग से एंड देन उसके बाद उसके पेरेंट्स से भी बात हुई एंड द होल थिंग यू नो केम टुगेदर एंड वी गॉट फिक्स्ड एंड देन लाइफ वेंट ऑन बट भगवान वाज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल एंड यू नो ही प्लेड हिज रोल इन मेकिंग आर मैच तो ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि एक एक पार्टनर जिसको भगवान ने मिलाया और भगवान ने ही अप्रूव कर दिया ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ होगा कुछ टाइम पहले आ, हम घर के अंदर कुछ रेनोवेशन कर रहे थे फिर हमने कुछ फोटोज़ वगैरह दीवार पर टांगने की बात करी एंड उस समय मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी तो एक फ़ैमिली फ़ोटोग्राफ थी और हमने सोचा ये फैमिली फ़ोटोग्राफ को घर के लॉबी में लगाते हैं एंड uh, मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम डिज़ाइन करो वॉल पे कैसे लगाना है सब कुछ सो so, मैंने वो सब कुछ कर दिया एंड मैंने सबको दिखाया एंड uh, उस समय शायद मम्मा या पापा में से किसी ने बोला कि इसमें ना स्वामी की फ़ोटो लगा देते हैं एंड मैंने सोचा कि ये ये क्या मतलब है इसमें स्वामी की फ़ोटो क्यों डालनी है इतना क्रिएटिवली मैंने सब कुछ डिज़ाइन किया एंड यू नो आई प्लैंड एवरी तो आई वॉज़ मैं उस बात के अगेंस्ट था कि ये क्या कर रहे हैं हम वी आर ट्राइंग टू एड स्वामी इन एवरी थिंग सो उस रात में सो गया एंड देर इज स्वामी आ गए ड्रीम में एंड स्वामी ड्रीम में uh, सामने खड़े हैं मेरे एंड वहाँ पे कोई uh, फोटो टांग रहा है स्वामी की और मैं उस फोटो को देख रहा हूँ एंड देन स्वामी ने मेरे को देख के बोला यू हैव अ प्रॉब्लम विद माई फोटो एंड मैंने कहा नो no, स्वामी पुट माई फोटो इन योर रूम स्वामी सेड मैंने कहा ये स्वामी उसके बाद मैं उठा एंड मैं अपने पेरेंट्स के पास गया और मैंने कहा मम्मा वो जो मैं कल कह रहा था ना वो आपका आइडिया ज़्यादा अच्छा है हम फोटो लगा लेते हैं सो so, हमने फिर स्वामी की फोटो फैमिली फोटो के अंदर इंक्लूड करी सो so, हम अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं हम अपना काम करते हैं अपनी फैमिली में बिजी होते हैं हम ये सब कुछ करते रहते हैं इस इस सारे के दौरान हमें कहीं ना कहीं एक emptiness फीलिंग आती है कि हम किसी और के लिए कुछ करें एंड मुझे भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आनी शुरू हुई तो पता नहीं कहाँ से पर भगवान ने मेरे को अपने सोशल मीडिया टीम में इंक्लूड कर लिया और पिछले दो साल से मैं उस टीम के अंदर इन्वॉल्व हूँ और उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन करता हूँ जो भी मेरी स्किल्स हैं और यही मेरा मैसेज है आज के यूथ के लिए भी कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं बट हमें किसी और कॉज uh, के साथ या कोई और लार्जर देन आर सेल्स जैसी चीज के साथ जरूर जुड़ना चाहिए कुछ ना कुछ हमें ऐसे करना चाहिए विच विच ब्रिंग सम पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड ओम श्री साई राम मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटिफुल रिलेशनशिप है जो मेरा मेरे स्वामी के साथ रिलेशनशिप है स्वामी मुझे हर मोमेंट में हर दिन हर लाइफ डिसीजन में मुझे गाइड करते हैं मेरे साथ हैं जब भी मैं प्रे करता हूं तो मुझे लगता है कि वो सुनते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब मैं स्वामी के स्कूल में स्टूडेंट था तो हमने स्वामी के आगे एक प्रोग्राम किया था उसमें एक कवाली गाई थी हमने मैं उसके दो पैराग्राफ्स की लाइंस बताना चाहता हूँ फ़र्स्ट पैराग्राफ की लाइंस जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे साथ ज़्यादा रेजोनेट करती थी और सेकंड पैराग्राफ की लाइंस जब हम स्टूडेंट डेज से निकले और स्वामी ने शरीर छोड़ दिया अब उनका मीनिंग समझ आता है तो फर्स्ट पैराग्राफ में था तेरे बिन सूनी लगे जिंदगी मेरे दिल पे बीते जो रात दिन वो बात बताएं कैसे हम ना देखो अगर तुम एक दिन तो हाल बताएं कैसे हम सो so, ये लाइन हम एज स्टूडेंट्स हर रोज लिव करते थे कि अगर एक भी दर्शन में स्वामी हमारे ओर ना देखें तो हमें लगता था ये दिन वेस्टेड है दैट इज़ हाउ यू फेल्ट जब आपके पास वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी थी कि आप दर्शन कर पाओ एंड उस टाइम पे हमें ये पता भी नहीं था कि हमारे सामने हमें दुनिया का ग्रेटेस्ट ट्रेजर मिल रहा है हमें उसकी रियलाइजेशन थी ही नहीं जब हम स्टूडेंट डे से बाहर निकले तो हमें रियलाइज़ होता है कि जो गुरु बाहर दिखता है और जो गुरु मेरे अंदर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है और जब हम अंदर वाले गुरु को कनेक्ट करना शुरू करते हैं वहाँ पे मुझे लगता है एक साधक की जर्नी एक्चुअली शुरू होती है सेकंड पैराग्राफ की जो लाइन्स थी वो थी फिर भी जो हमने तुमको याद किया प्यार भरे दिल से याद किया तुम पास हो एहसास हुआ तेरे प्यार का एहसास हुआ सूना ये दिल आबाद हुआ तेरे बिन सुनी लगे जिंदगी सो so, पहले फ़िज़िकली सुनी लगती थी दर्शन के बग़ैर अब समझ आता है कि अगर याद ना करें तो प्यार का एहसास नहीं होता तो फिर ज़िंदगी सुनी लगती है सो द गुरु विदाउट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द गुरु विद इन एंड इफ़ यू कैन सीक द गुरु विद इन देन द जर्नी इज़ जस्ट एज़ ब्यूटिफुल एज इट वॉज विद द फिज़िकल दर्शन जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीजन में कोशिश करता हूँ कि द डायरेक्शन शुड कम फ्रॉम हिम सो जब मेरी शादी की बात हो रही थी तो मैं एक ही ज़िद पे फंसा था कि जब तक स्वामी नहीं कहेंगे तब तक मुझे गो फॉरवर्ड नहीं करना सो so, मैं एक दिन प्रेयर में बैठा था और मैं स्वामी को बार बार कह रहा था कि आप कुछ क्यों नहीं कह रहे आपको आप कुछ, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे इसके बारे में तो मुझे लगा कि स्वामी बहुत आई फेल्ट लाइक आई हर्ड हिम वेरी क्लियरली और उन्होंने बोला ओपन द बुक अब आप जब प्रेयर में बैठते हो तो मेरे पास कोई बुक नहीं थी तो आंखें बंद में मैं अपने हाथ से आसपास ढूंढ रहा था कुछ एंड मेरे राइट हैंड के पास एक बुक शेल्फ थी उसमें से मैंने जो भी बुक पे मेरी पहले उंगली गिरी तो मैंने वो उठाया और मैंने एक पेज खोला और मैंने देखा वो स्वामी की बुक थी और उसका जो पेज खोला उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा था यस द एक्शन इज प्रॉम्प्टेड बाय गॉड सो ही कंटिन्यूज टू गाइड एंड गार्ड व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट वी एक्चुअली सीक एंड इफ वी सीक देर इज नो डर्थ ऑफ गाइडेंस फिर वो मेरी तरफ देखते हैं और फिर मेरे को बोलते हैं स्वामी ब्लेस नहीं करता स्वामी विभूति नहीं देता स्वामी लड्डू नहीं देता अगर आप उसमें सक्सेस में उछलना शुरू कर दो और फेलियर पे आप चीखना चिलाना रोना शुरू कर दो तो, तो शायद भगवान भी वो सोचेंगे कि मेरा ये जो विद्यार्थी है मेरा जो ये डिवोटी है वो मेरी बात नहीं सुन रहा